आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज को जिस तरीके से हमने पूर्व में विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाया, अब समय आ गया है कि पूरी मजबूती से जितने भी मसले हमारे कुल्लू के, मनाली के, मंडी के और हिमाचल प्रदेश के केंद्र में लंबित है उनको उठाने, सबसे पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद आपके जो हमारा रोड वैली है, ये मेरा वादा है केंद्र सरकार से जो पहला मसला आप लेकर आएंगे रोड से जंग वैली के लिए बुबू चोर टनल का निर्माण करवाया जाएगा, ये हमारी नंबर वन प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी। अभी हम आनी से आ रहे हैं, आनी के लोगों को मैं ये वादा देकर आया हूँ हमारी ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से कि जब हम चुनाव जीतेंगे टूरिज्म के लिए जिस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, हमने जलोड़ी जोड़ टनल का निर्माण प्राथमिकता पे आने वाले समय में करवाना है, बागा सराम इलाके का निर्माण आने वाले समय में प्राथमिकता पे करवाना है, यहाँ के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का कार्य आने वाले समय में करवाना है। इसके लिए हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, इसके लिए नींव पूर्व की सरकारों ने रखी है, वर्तमान की सरकार ने रखी है, मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जिनका आप लोगों के साथ एक बहुत पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी जीवन का, मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया मोड़ मैं लेने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं वर्तमान में शिमला ग्रामीण से विधायक हूँ और साथ ही साथ प्रदेश सरकार में मंत्री हूँ, मगर जो एक केंद्रीय सरकार में और केंद्रीय नेतृत्व के लिए यहाँ से मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में एक मजबूत संबंध आप लोगों के साथ बरकरार रहेगा और हमारे यहाँ से जो माननीय विधायक है, सीपीएस है, आदरणीय ठाकुर सुंदर सिंह ठाकुर जी, इनके सहयोग के साथ, इनके समर्थन के साथ कुल्लू के जितने भी मसले जिनका अभी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है इसको ये यहाँ पे पूरा करेंगे और हम आपकी आवाज को दिल्ली के अंदर आने वाले समय में पूरी मजबूती से उठाएंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये जो भेदभाव कुल्लू जिले के साथ लगातार हो रहा है, चाहे विकास कार्यों में हो रहा है, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हो रहा है, ये जवाब आज कुल्लू के भाजपा के नेताओं को, जयराम जी को देना पड़ेगा कि जब यहाँ से जो हमारे पूर्व में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, राजा महेश्वर सिंह जी, उनका टिकट क्यों काटा गया, ये जवाब से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कुल्लू के लोगों को देनी पड़ेगी, क्योंकि हर बारी जो ये राजनीतिक बदल कुल्लू के नेताओं की करने की कोशिश करी जा रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका अगर मैं फिल्मी रूप में जवाब दूं तो करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा चुनावों में, इसका मजबूत जवाब मिलेगा। और जिस तरीके से देव नीति का, जिस तरीके से देव समाज का ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेत्री विरोध अपमान कर रहे हैं, कुल्लू में देव सदन किसने बनाया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया, मंडी में देव सदन किसने बनाया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और आपके हर सुख में, हर दुख में हम आपके साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक है, सीपीएस है, मुख्यमंत्री जी भी आज मंच के ऊपर है, बहुत मेहनत ये चुनावों में कर रहे हैं, मेरा विनम्र निवेदन मुख्यमंत्री जी से रहेगा कि चुनावों के बाद सुंदर ठाकुर जी की राजनीतिक प्रगति होनी चाहिए और पूरी मजबूती से मैंने कह दिया है, अभी भी कह रहा हूँ, और जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद भी पहली
एडवोकेसी पहला जो इनका नाम नहीं रखूंगा सबसे आगे, तो इसको हम पूरी मजबूती से पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर से हमारी सभी माताएं, बुजुर्गवान, युवा साथी, महिलाएं, आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये हमारे यहाँ पे अभिनेता आए हैं, अब केवल 25 दिन रह गए हैं, इन्होंने बहुत मॉडलिंग कर ली, कहीं पे टोपी पहनकर, कहीं पे लिबास पहनकर, कहीं पे सजनी पहनकर, कहीं गाठू पहनकर, अब शूटिंग का समय पूरा हो गया है, अब इनका पैकअप होने वाला है और यहाँ से वापस मुंबई जो है ये जाने वाले हैं। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि मुश्किल समय में ये लोग कहाँ पे थे, मनाली में इनका घर है, बांबला में इनका घर है, एक पैसे का योगदान इन्होंने जो है वो मुश्किल समय में हिमाचल के लोगों को नहीं दिया। इसका जवाब आप लोगों ने देना है, मिलकर देना है और मिलकर हम यहाँ के विकास कार्यों को करेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।